देश में विभिन्न एजेंसियों के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले पश्चिम बंगाल में अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन उसे 77 सीटें मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल में RJD और कांग्रेस गठबंधन को तरजीह दी गई, लेकिन नतीजे उलट आए। इसी तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अधिकांश एग्जिट पोल सही नहीं निकले। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल चुनाव नतीजों के करीब नजर आए। फिलहाल आज फिर से विभिन्न एजेंसियों की ओर से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। भले ही विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी और असल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, एग्जिट पोल से एक धुंधली तस्वीर सामने आती है। मित्रों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। UP, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किन दलों की सरकार बन सकती है, जाने क्या कहते हैं एग्जिट पोल के अनुमान, आइए देखते हैं। बात मणिपुर राज्य की करें तो एग्जिट पोल के अनुसार मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा भाजपा फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। भाजपा को 32 से 38 सीटें और कांग्रेस को 12 से 17, जबकि NPF को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं गोवा राज्य की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में भाजपा को 14 सीटें, कांग्रेस को 16 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। बात अगर उत्तराखंड राज्य की करें तो एग्जिट पोल के अनुसार उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि BJP को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। उधर एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें, कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, जबकि भाजपा को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अकाली दल 7 से 11 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही नजरें एग्जिट पोल्स 2022 के आंकड़ों पर हैं। चुनावी विश्लेषकों की माने तो मणिपुर में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, जबकि गोवा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। पंजाब के चुनावी मुकाबले में आम आदमी पार्टी की ओर से कड़ी चुनौती पेश किए जाने के आसार बन रहे हैं। UP में कई सीटों पर भाजपा को सपा की ओर से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। सियासी दिग्गजों ने चुनाव प्रचार के दौरान कई सीटों पर मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा गठबंधन के बीच होने की बातें कही थीं। ऐसे में नजरें इस बात पर होंगी कि क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या 5 साल बाद अखिलेश यादव की फिर से सत्ता में वापसी होगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। वर्ष 2017 के चुनावी नतीजों के अनुसार भाजपा गठबंधन ने 325 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। सपा और कांग्रेस गठबंधन को 54 सीटें मिली थी, जबकि बसपा को 19 सीटों पर ही संतुष्टि मिली थी। इस बार सपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। 5 साल पहले यानी वर्ष 2017 में भी इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सबसे नजदीक साबित हुआ था। एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को 251 से 279, सपा गठबंधन को 88 से 112, BSP को 28 से 42, RLD को 2 से 5 और अन्य को 4 से 11 सीटें दी थी। नतीजे आने के बाद भाजपा गठबंधन को 325 सीटें, सपा गठबंधन को 54, बसपा को 19 सीटें, RLD को 1 सीट और अन्य को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार हमारी रिसर्च के एग्जिट पोल में BJP सत्ता में वापसी करने की संभावना है। हालांकि नतीजे 10 मार्च को साफ होंगे। आंकड़े फंसने की भी संभावना है। यहां BJP को 180 से 200 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं समाजवादी पार्टी को 170 से 190 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां बताना यह भी जरूरी है कि सटीक नतीजों के लिए जनता को इंतजार करना होगा। बता दें कि 20 साल में 37 बड़े एग्जिट पोल 90% गलत साबित हुए हैं। जी हाँ, 90%। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में यानी 1999 से लेकर अब तक 2019 तक 37 बड़े एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन उनमें करीब 90% अनुमान गलत साबित हुए हैं। जी हाँ, 1999 में हुए चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने NDA की बड़ी जीत दिखाई थी। उन्होंने NDA को 315 से ज्यादा सीटें दी थी। नतीजों के बाद NDA को 296 सीटें मिली थी। 2004 में एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल साबित हुए थे। अनुमानों में दावा किया गया था कि कांग्रेस की वापसी नहीं हो रही है, सभी ने भाजपा को बहुमत मिलता दिखाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। NDA को 200 सीटें भी नहीं मिल सकी। इसके बाद कांग्रेस ने सपा और बसपा के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई। 2009 में भी एजेंसियों ने UPA को 199 और NDA को 197 सीटें मिलने के कयास लगाए थे, लेकिन UPA को 262 सीटें मिली, NDA के खाते में 159 सीटें गईं। 2014 में एग्जिट पोल्स ने NDA को बहुमत मिलता दिखाया था। एक एजेंसी ने भाजपा को 291 और NDA को 340 सीटें मिलने का कयास लगाया था। नतीजा अनुमान के काफी करीब रहा। भाजपा को 282 और NDA को 336 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 एग्जिट पोल्स में NDA को दी गई सीटों का औसत 304 था, यानी NDA को दोबारा सत्ता मिलने का अनुमान ठीक था,
लेकिन यहां भी सीटों के मामले में अनुमान गड़बड़ हो गई। नतीजों में एनडीए की बजाय अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली, एनडीए के खाते में 351 सीटें आईं। बात एग्जिट पोल्स की हो चुकी है, अब इंतजार कीजिए 10 मार्च का। किसके सिर पर सजेगा ताज, कौन होगा राज्यों का मुखिया, देखते रहें द दस्तक 24। नमस्कार।